मेरी बहुत कम है। मैं नहीं पूछा ना, और दोस्त करोगे? नहीं ठीक है, एक आज बिजनेस हाँ छोड़ो, मैं कहूँ तो एक टीम नहीं चाहिए बात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 13, चार्ली एंड आइसक्रीम। सो यू ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक, लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। चैप्टर 13, चार्ली एंड आइसक्रीम। Charlie ate a bowl of strawberry ice cream after lunch. दोपहर के समय जो हम भोजन करते हैं उसे हम लंच कहते हैं। Charlie दोपहर लंच के बाद एक बाउल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को खाता है। He took a mango bar from the ice cream man in the playground in the evening. और शाम के समय जब वह प्लेग्राउंड में था तो आइसक्रीम मैन से उसने एक मैंगो बार आइसक्रीम ली थी। एट नाइट ही हैड वेनेला आइसक्रीम, और रात में वो एक वेनेला आइसक्रीम खाता है। हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू ईट सो मच आइसक्रीम। उसकी मम्मी, चार्ली की मम्मी उससे कहती हैं कि बेटा तुम इतनी अधिक आइसक्रीम मत खाया करो। चार्ली यू आर गेटिंग फैट, इससे क्या होता है कि इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फैट मिलेगी। इट इज़ नॉट हेल्दी टू ईट सो मच आइसक्रीम सी शेड, उसने कहा, चार्ली की मम्मी ने कहा कि ये आइसक्रीम जो आप बहुत अधिक खाते हैं यह आपके लिए लाभदायक या स्वास्थ्यकर नहीं होता है। चार्ली डिड नॉट माइंड बीइंग फैट, चार्ली को फैट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अभी। ही लव्ड आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इट वॉज हिज फेवरेट फूड, और यह उसका बहुत ही पसंदीदा भोजन था। चार्ली हैड एनदर फेवरेट थिंक, चार्ली को एक दूसरी भी चीज़ बहुत पसंद थी। It was the swing in his garden. Garden में झूलना। He would played on it every day. और चार्ली झूले पर जा कर के जो झूलता था वो प्रतिदिन खेलता था। One day he went to play on his swing. एक दिन जब वह अपने झूले पर खेलने जा रहा था, he sat on it, वह उस पर बैठा। he pushed it with his legs, और वो जो झूला होता है उसे हम क्या करते हैं, अपने पैर से पुश करते हैं पीछे आगे की तरफ, अप एंड डाउन आगे पीछे मूव करते हैं। जो आपने देखा होगा कि पार्क में झूला होता है जिसमें एक चेन सी लगी होती है, उस पर हम बैठते हैं और अपने पैर को आगे पीछे करते हैं ताकि वो झूला आगे पीछे मूव हो। चार्ली इन्जॉयड आर लॉट, चार्ली को बहुत ही अच्छा लग रहा था या मज़ा आ रहा था। देन ही स्टॉप्ड, वह फिर रुका। आई विल गो एंड ईट आइसक्रीम ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ और आइसक्रीम खाकर आता हूँ। बट ही कुड नॉट मूव आउट ऑफ द स्विंग, लेकिन वह झूले से हिल नहीं सका। द स्विंग वॉज टाइट, जो झूला था वह उसमें फंस गया था। ही वॉज स्ट्रक, वह उसमें चिपक गया था। देखिए यहाँ पर चार्ली दिखाया गया, एक पार्क में है, ये झूला है जिस पर वह स्विंग करता है, झूलता है। मम्मा मम्मा चार्ली कॉल्ड आउट, मम्मा मम्मी मम्मी चार्ली चिल्लाता है। लुक व्हाट इज रॉन्ग विथ द स्विंग,
देखिए इस झूले में क्या गलत सा कुछ हुआ है। इट वॉज ग्रो स्मॉल या थोड़ा छोटा सा हो गया है। चार्ली मामा केम आउट इनटू द गार्डन। चार्ली की मम्मी गार्डन में आती है। शी सॉ दैट चार्ली वॉज स्ट्रक ऑन द सीट और वह देखती हैं कि चार्ली जो है वो सीट पर चिपक गया है, मतलब बैठा हुआ है, उसे हिल नहीं पा रहा है। ही वॉज क्राइंग वह रो रहा है। चार्ली सी शेड चार्ली की मम्मी ने चार्ली बुलाया। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द स्विंग उन्होंने कहा कि इस झूले में कुछ भी गलत नहीं है। यू हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ आइसक्रीम तुमने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई थी। यू हैव ग्रोन फैट जिससे क्या हुआ कि तुम्हारे में फैट की जो थी वो वृद्धि हो गई तुम्हारी बॉडी में। आर यू सेइंग दैट आई कैन नेवर ईट आइसक्रीम नाउ चार्ली आस्क चार्ली ने पूछा क्या आप ऐसा कह रही हैं कि मैं आइसक्रीम कभी नहीं खा सकता हूँ अब से। नो यू कैन ईट वॉट यू लव बट नॉट अ अलॉट मदर सेड चार्ली की मम्मी ने कहा नहीं जो भी तुम्हें पसंद है वो सब चीज़ें तुम खा सकते हो लेकिन बहुत अधिक नहीं। चार्ली वॉज हैप्पी चार्ली खुश हो गया। फ्रॉम दैट डे चार्ली वॉज केयरफुल उस दिन से चार्ली बहुत सावधान हो गया। ही एट एप्पल्स वह सेब खा एप्पल्स एंड मैंगोज वह सेब और संतरे खाने लगा। ही एट कैरेट एंड रेडिश वह गाजर और मूली खाने लगा। ही एट अ लिटिल आइसक्रीम टू और इसके साथ ही साथ वह थोड़ा बहुत आइसक्रीम भी खाता था। सून ही वॉज एबल टू फिट ऑन हिज स्विम एंड हैव फन जिससे वह फिर से उस झूले पर बैठने के लिए फिट हो गया और उसने इन्जॉय किया। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। थैंक यू।